हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, वो तो आप हैं ही, क्या बात है आपकी। लेकिन जनाब, फिट और एनर्जेटिक होने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आज हमने नोटिस लेना है, उसका ख्याल रखना है और उसको अपने डे टू डे लाइफ के अंदर लेकर आना है, उसको शामिल करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। और वो ये है कि हम रोज सुबह जब तैयार होते हैं तो हम आईने में अपने आप को देखते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये कमीज, ये पॉकेट स्क्वायर, ये जैकेट, ये पतलून, ये बेल्ट, ये सॉक्स, राइट, या ये दुपट्टा, ये शलवार कमीज, या जो भी आप पहन रहे हैं दफ्तर जाने के लिए, डे टू डे लाइफ के अंदर क्यों नहीं हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेते कि मुझे कल से बेहतर लगना है। I have to look my best. अब जरूरी नहीं कि उस दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उस दिन नहीं कि जरूरी नहीं कि आपका कोई रिश्ता देखने आ रहा हो, या आप की कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की मुलाकात हो। सिर्फ उन्हीं दिनों में जो हमारे खास दिन होते हैं, हम अच्छा लगने की और तैयार होने की कोशिश करते हैं। नहीं, कोशिश करनी है कि हम अपने लिए भी तैयार। भाई जरूरी है कोई आपको देखने आए या कोई आपसे मिल रहा हो, क्यों ना हम अपने आप के लिए अच्छे अच्छे बेहतर से बेहतर लगने की कोशिश करें। अरे बाल बना ले रोज तो क्या है, अरे थोड़ी सी एफर्ट कर ले, देख ले कौन सी चीज किससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो आज का दिन वो है जब कुछ ना भी हो या कल कुछ ना भी हो, हमने अच्छा सा तैयार होना है। ट्राई टू लुक गुड फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए अच्छा लगिए, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, एम्पावर्ड महसूस करेंगे। यकीन कीजिए एक ऐसी आपके अंदर ताकत आएगी कि अरे Yes, मैं कल से बेहतर लग रही हूं या कल से बेहतर लग रहा हूं, राइट? इस बारे में जरूर सोचना है। और आज अच्छे से कपड़े पहन के जरा वार्डरोब के सामने खड़े होके अपनी बेस्ट टाई निकाल के जनाब साहब जी आपने तैयार होके जाना, ठीक है? टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे तो नेचर भी आपका ख्याल रखेगी। और नेचर भी हमें ये कहती है कि अपना ख्याल ऐसे करो कि ये मोटरसाइकिलों और गाड़ियों और बसों से जरा निकल के जैसे इंसान को पैदा किया गया था पैदल चलने के लिए, उस तरफ आओ, थोड़ी सी वॉक करो, थोड़ी सी अपने जिस्म का ख्याल रखो। और इन्हीं तरफ हमें लेकर जाते हैं ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ। चलते हैं जनाब, देखें आज हमारे लिए क्या। गुड सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक तौसीक भाई, ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। आई लाइक सरप्राइजेस, लेकिन You are neutral? Yeah. क्योंकि तहमीना को पता है कि सरप्राइज में उसका बहुत बड़ा अमल दखल है, राइट? साथियों आपको पता है कि तहमीना अक्सर आपको अपनी सेशंस में बताती रहती हैं कि अगर आपके पास वेट्स नहीं है, डंबल्स नहीं है, तो आप पानी की बोतल लें और उसका डंबल बना के ना तो वो इस्तेमाल करें। तहमीना आपके लिए सरप्राइज है। डडन डडन। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग, रियली नाइस। ये देखें क्या है, ये मैं वापस नहीं दूंगी। ऑफ कोर्स ये आपके लिए, शो के लिए। सी, अच्छा इसकी ग्रिप जो है बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है कि जैसे वेट्स की है। नहीं जी, बनी भी नहीं, गौर से देखें ये वेट्स ही बने हुए हैं। ओह आई थॉट इट्स अ वाटर बॉटल। इट इज अ वाटर बॉटल, इसमें पानी भी है। Okay. लेकिन ये वेट्स के है, ये आपके उस मशवरे को देख के किसी ने मैन्युफैक्चर करनी शुरू की और मार्केट में आ गई। जबरदस्त, अमेजिंग, दैट्स नाइस। ओके जी, चलें फिर आज के वर्कआउट। लेकिन इसका जरा आप हाथ में पकड़ के क्लोजअप दिखा दीजिए। अच्छा, कैमरा वन को। अच्छा देखिए, वी कैन डू एवरीथिंग लाइक, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और ये मुझे भी कल ऐसे ही बस चलते चलते एक जगह पे नजर आ गई। नो दिस इज रियली नाइस, क्योंकि पता है वो जो हम लोग बॉटल्स उठा के एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो कई दफा दैट स्लिप्स। जी, अगर आपने जरा ज्यादा वेट की बॉटल उठाई है तो आई थिंक इट्स परफेक्ट, क्योंकि ये एग्जैक्टली अब पता नहीं आज या किसी दिन जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना, वी विल वार्म अप के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वार्म अप के लिए भी कर सकते हैं और वैसे भी। अच्छा आज की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो मेन फोकस तो आपका जो है वो टमी पे है, लाइक आपकी एब्डोमिनल एरिया पे है, बट इट बर्न्स ऑल द बॉडी कैलोरीज, सो इट्स अ कार्डियो प्लस इट्स फोकस ऑन योर एब्डोमिनल। तो हमने करना क्या, आई विल डू इट फॉर 30 seconds, और 30 seconds हम दोनों करेंगे एंड यू विल सी काशिक थोड़ी तेजी से ज्यादा करते हैं। आपका टाइम कर लेता हूं, डन। ओके परफेक्ट, तो वार्म अप आप कर लीजिएगा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, ठीक है, आपने करना क्या है काशिफ, अपने हैंड्स ऐसे लेने हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम पहले एक साइड पे 30 seconds करेंगे ये, ठीक है। अभी आप पोजीशन देखेंगे, आप चाहें तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन 30 seconds तक एज मैनी एज यू कैन डू, कोई ऐसा इशू नहीं है। काफी सारे लोगों को थोड़ा ये जो शादियों पे डांस होता है उसमें ऐसा स्टेप भी होता है वैसे, कॉन्ट्रैक्शन करना। नो दिस इज बेसिकली नी रोटेशंस, तो ये आपकी ओब्लिक कोशिश करनी है कि एल्बो को बिल्कुल गंदी लगे।
30 seconds हो गए तो सिख भाई आप 25, 26, 27. आज cheating नहीं करनी काश है. 28, 29, 30. Okay जी, once you're done, you'll move on the other side. अच्छा आज तो सीख मेरा यही मूड था जो मैं काशिफ को कह रही थी कि नहीं आज प्रॉपर वर्कआउट करते हैं जो हमारे पास 4-5 मिनट होते हैं यूजुअली हम लोग करने के तो आज दो रेपिटेशन करके लोगों को टेंशन दे देते हैं और खुद आराम से 2-4 रेपिटेशन करके फारिग हो जाते हैं तो आज हम थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं. गुड जी. ओके जी ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने करना क्या है, इट्स साइड लंच एंड देन वी डू द लेग रेस. तो करना क्या है, यू डू द साइड लंच एंड देन यू रेज योर लेग. वेरी गुड. ठीक है, साइड लंच एंड देन यू रेज लेग. अब आप देखें एब्डोमिनल एरिया है आपके ओब्लिक्स आगे लेकिन उसके साथ साथ यू रेज द लेग और आप ओब्लिक पे काम. तो सिंह भाई टाइमर चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है. और देखें तैमीना इससे मुझे लग रहा है कि आपकी थाइज अपर थाइज जो है उस पे भी काफी. जी जैसे मैंने कहा कि मेन फोकस एब्डोमिनल एरिया पे है बट उसके साथ फुल बॉडी है. जब आप ये थोड़ा स्पीड अप करके करें तो यू गेट अदर साइड. अदर साइड आएंगे ठीक है, उसके बाद अदर साइड एंड देन यू रेज द लेग. अगर आप बिगिनर हैं और आपको ये लंच करने में साइड लंच करने में प्रॉब्लम है तो यू सिंपली स्ट्रेट स्टैंड और आप इसको रेज कर सकते हैं. हाथ भी ना लगाइए, अब सिंपल यू लंच लीजिए वापस आके यू बिल्कुल लेग अप. तो ये आपने 30 सेकंड दोनों साइड्स पे करना है. उसके बाद हमने क्या करना है, नी अप्स और ब्रीद इन व्हाटएवर यू फुल रेंज ऑल द वे अप. कार्डियो है, हार्ट रेट अप करना है आपने 30 सेकंड तक. आई थिंक 10 seconds 9 7 6 5 4 3 2 and done. काशिफ तैमीना से हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं लेकिन आज मैंने काशिफ से एक नई चीज ये सीखी कि 9 के बाद उल्टी गिनती में 7 आता है. 8 है ही नहीं इनकी गिनती में. नो आर्ट्स आपने कहा 9 7 9 8. लेकिन यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम. ओके जी वुड चॉपर्स की तरफ चलते हैं. गिनती आप बाद में सीखेंगे. वुड चॉपर, वुड चॉपर इज लाइक यू रोटेट. ओके ठीक है, ये जैसे आपने वैसे यूज किया जैसे कुल्हाड़ी से आप दरख्त को काटते हैं वुड चॉपर. मेरा ख्याल वहीं से निकला. अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं तो सीख के क्रॉसफिट में जैसे हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे क्रॉसफिट में काशिफ नोस ठीक है कि आपका जो टायर होता है जिसको आप फ्लिप करते हैं एंड यू डू एक्सरसाइजेस तो दे एक्चुअली हैव अ हैमर. अच्छा रियली दे हैव अ रियल हैमर इन क्रॉसफिट कि जो हैमर का साइज होता है वेट एंड वी एक्चुअली थ्रो इट. अच्छा एंड दिस इज एन एक्सरसाइज कि आप उसको हैमर को नीचे मतलब जो है ना टायर के ऊपर और वो सेम इस चीज को वो करते हैं ये मेडिसिन बॉल के साथ एंड वी डू डू अदर इंटरेस्टिंग. तो सारी जो फंक्शनल ट्रेनिंग है फंक्शनल ट्रेनिंग बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द यू नो जो आप मेन लाइफ रूटीन में काम करते हैं. देखिए भाई जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि नेचर ने इंसान को ये सारे काम करने के लिए बनाया है. बिल्कुल. अब हमने टेक्नोलॉजी और मशीन की दुनिया में आकर अपनी सहूलत के लिए इन चीजों से हम दूर चले गए हैं. अब हमारा दरख्त भी जो है वो मशीन काटती है, उसके टुकड़े भी मशीन करती है. जी इस एक्सरसाइज के बारे में कहना चाहूंगा, एक्सरसाइजेस के अंदर फिर इस तरह की चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि आपके जिस्म को वो नेचुरल हैबिटेट मिल सके, वो नेचुरल लाइफस्टाइल मिल सके जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया. ये हम जो एक्सरसाइज करते हैं इसके बारे में बता दूं कि आपकी लोअर बॉडी लॉक होनी चाहिए, अपर बॉडी यानी टॉर्सो मूव करना चाहिए. ट्विस्ट ले रहे हैं आप ऐसे गए, आप साइड पे भी जा सकते हैं, ऑल द वे अप भी जा सकते हैं. रोटेट, लोअर बॉडी लॉक, टॉर्सो मूव होगा. अच्छा शोल्डर्स आपके इन्वॉल्व हैं, आपकी बैक चूंकि आपको चीज नीचे से उठाएंगे एंड देन यू रोटेटिंग तो ऑब्वियसली आपकी एब्डोमिनल एरिया इसमें इन्वॉल्व है. काफी सारे लोग शायद नीचे ना भी जा सके काशिफ, तो इवन इफ यू जस्ट कमिंग दिस वे तो दैट्स फाइन. अच्छा उसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है दैट्स हम जंपिंग. जंपिंग जैक्स ठीक है. तो काशिफ आपको बताएंगे लेकिन वही जो मैं फंक्शनल एक्सरसाइजेज की आपको बात कर रही हूँ और काफ़ी सारे हमारे जो नाजरीन हैं वो ये हमसे सवाल करते हैं कि आप एक्सरसाइज बताते हैं तो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है. एक्सरसाइज जो भी हम आपको बताते हैं यू चूज़ व्हाट एग्जैक्टली आर योर गोल्स ठीक है एंड देन यू फॉलो इट फॉर सम टाइम. और ऐप की एक्सरसाइज करने के लिए एक चीज़ प्लीज़ बताती चलूँ कि ऐप का ज़रूरी नहीं है कि आप क्रंचेज ही करते जाएँ. वन यू यूज़ फुल बॉडी दैट एक्चुअली बर्न मोर कैलोरीज देन एनीथिंग एल्स. तो आपकी कोर इंगेज रहती है और सबसे बड़ी बात वो जो काशिफ कहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन के जो मसल जिस पे आप काम कर रहे हैं उस मसल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश टेक्निक का है. जैसे काफी सारे लोग मतलब आई ट्रेन पीपल इन द जिम तो वो मुझसे पूछते हैं कि ये मेरी पोजीशन देखना ठीक है, तो मैं उनको हमेशा ही कहती हूँ इफ यू वर्किंग ऑन योर ट्राइसेप
यू शुड फील ऑन योर ट्राइसेप. तो आप आंखें बंद करके भी अगर कर रहे हैं तो आपकी टेक्निक जिंदगी में कभी गलत नहीं होगी. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, बहुत बहुत शुक्रिया. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मशहूरियाँ ब्रेक, इसके बाद आप से मिलेंगे. तो आज MBA बहुत मजे की एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाए, और आपको पता है MBA इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉलीग्स हियर एट ब्रेकफास्ट एट होम. रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद. जी जनाब, वेलकम बैक. आज किड्स सेक्शन में हमारे विजिट किड्स जो SMA और MBA दोनों हैं, उनमें से MBA हमारा साथ दे रहे हैं. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? फिट? आज सुना भी बहुत ही जबरदस्त. एक्सरसाइज देखी है ना? एक्सरसाइज देखी है ना? फिट हुए हो? देख के भी एक्सरसाइज कर लिया आपने साथ साथ, है ना? अच्छा जी, आज क्या टॉपिक है? मैं आपको बताना शुरू कर, मैं नाम नहीं बताता, आप लोगों को पता चल जाएगा साथ साथ. मैं शुरू करना चाहता हूँ कि आपको पता है हमारा वर्ल्ड जो है बहुत पोल्यूटेड है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इन कुछ चीज़ों की वजह से फॉरेस्ट फायर्स भी हो सकती हैं. अगर आप बॉटल्स या फिर सिगरेट्स जो स्मोक नहीं करना चाहिए, सिगरेट्स जब ज़मीन पे फेंकते हैं उनसे जो ट्रीज जलती हैं वो कुछ एनिमल्स की हैबिटेट्स होती हैं, नेचुरल हैबिटेट्स, एंड दे हैव टू माइग्रेट, एंड गॉड नोज वो कहाँ जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत हार्म होगा. इसीलिए मैं आज उन कुछ एनिमल्स के बारे में बात करने आया हूँ कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. अब एक्सटिंक्ट क्या होता है? एक्सटिंक्ट इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग कि एन एनिमल की स्पीसीज जो है वो डाई आउट कर रही है, वो ख़त्म कर रही है. यानी वो जानवर जो है या उसकी खास नस्ल जो है वो कुछ अरसे में इस कुर्राए अर्ज़ से नापैद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उनकी ब्रीडिंग ख़त्म हो जाएगी. सिर्फ किस वजह से? इस इंसान की वजह से कि हमने अपनी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए हमने अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे कर लिया जो हमें MBA बता रहे हैं कि उसकी वजह से वो जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो आज उनकी कुछ बात होगी. ग्रेट. अच्छा, पहली पिक्चर प्लीज. पहली पिक्चर प्लीज. वाह जी वाह, ये कौन है? इतनी प्यारी पिक्चर है. ये मारखोर. मारखोर, अब आप सरप्राइज होंगे, ये हमारा नेशनल एनिमल है और ये नियरली थ्रेटनड है. ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है लेकिन अब इसको अपनी जान के लाले पड़े हैं. हमने क्या कर दिया बेचारे को? बेचारा. इसके बारे में एक लेजेंड भी है कि जब इसके फेवरेट खाना सांप होता है, तो मेरा कोफ्ता आलू उसका सांप. अच्छा, कोफ्ता आलू पे भी किसी दिन हम एक सेशन कर सकते हैं. ठीक है, अभी रख लेते हैं. वो जब सांप खाता है तो इसके मुंह से एक वाइट फोम निकलती है, और जो नॉइस के एरियाज होते हैं वो उसको ढूंढते हैं. हाँ. उस फोम को ढूंढते हैं क्योंकि उसके अंदर जो स्नेक बाइट होता है उसका क्योर होता है. स्नेक को खाते हैं, स्नेक का क्योर निकालता है. वाह, वेरी गुड. और ये गुड न्यूज भी है कि ये जो एक्सटिंक्शन की न्यूज आई थी 2012 में आई थी, और जो एक और न्यूज आई थी 2015 में गवर्नमेंट ने कि 20% पॉपुलेशन राइज हुआ है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की वजह से इनटू हेल्पिंग देम. अच्छा, मैं बीच में एक बात करना चाहूँ. जो हमारे इंडस रिवर डॉल्फिन हैं, जो ब्लाइंड डॉल्फिन इंडस रिवर हैं, वो क्यों मरते हैं? क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनके वेस्ट होते हैं, उनमें हैवी मेटल्स होते हैं, उनमें टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं जो हमारे सीज को हार्म करती हैं. दिस इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स जो उस पानी को पीते हैं. और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको बहुत हैवी फाइंस दें और एक एरिया बनाए जहाँ पर उन्हें टॉक्सिन किसी और जगह पर जाएँ रादर देन द वाटर. रादर देन द वाटर, और वो भी हमारा मेन स्ट्रीम जो हमारी आर्टरी है, जो चैनल है इंडस, जो दरियाए सिंध है, उसके अंदर डायरेक्टली वो सारे टॉक्सिक मटेरियल्स फैक्ट्रियों के जा रहे होते हैं, जिससे इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन के अलावा जनरली भी बाकी और मछलियाँ और समंदरी और दरियाई जो स्पीशीज हैं वो थ्रेटन्ड हैं. सर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, दो क्वेश्चन पूछना जी. एक, 2001 में आपको याद होगा कि वल्चर जो थे हमारे स्काइज में बहुत ज्यादा थे, और सिंध में आप कभी गए? उसके अंदर डेजर्ट में गए, उधर भी बहुत ज्यादा होंगे. अब आप जाएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ, आपको सिर्फ मुश्किल से दो चार नजर आएंगे. सीरियसली यानी गेट जो है वो खत्म होते जा रहे हैं. हमारे स्काई में अब लेयरली परिंदे भी नजर आ रहे हैं, बहुत कम हो गया, क्योंकि हम जो हंटिंग कर रहे हैं, जो हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, स्मोक जो ऊपर जा रही होती हैं,
परिंदे जो हैं उनकी मुख्तलिफ स्पीशीज भी, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हम बसेस से निकल के वॉक किया करें, फिर हम साइकिलिंग भी कर लिया करें, ताकि हमारा मुल्क एक इको फ्रेंडली मुल्क बन जाए जहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन साथ साथ रहें एंड दे हेल्प ईच अदर, क्योंकि एनिमल्स हेल्प अस एंड हमें उनको एक गिफ्ट दिया चाहिए वापस ताकि वी हेल्प देम एज वेल। बहुत अच्छी बात। तो हमारे लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो हैं वो हमारे इकोलॉजिकल लैंडस्केप के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन से वल्चर्स? लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स यानी जो बड़े बड़े परों वाले गिद्ध होते हैं। नहीं, लॉन्ग बिल्ड जिनका मुंह बहुत बड़ा होता है। जिनका मुंह बहुत बड़ा होता है। ऑलराइट, ये असल दे आर वेरी स्मार्ट एनिमल्स। इनको पता है हम इतने छोटे हैं, हम क्या कर लेंगे बड़े जानवर को। तो जब शेर या फिर चीता किसी जानवर को मारता है या फिर कोई भी जानवर किसी को मारता है, जब वो खा के छोड़ देता है तो वो उधर जाते हैं उसकी डेड बॉडी से खाते हैं दूसरे एनिमल की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम जो है वो इस दुनिया का वो चल रहा है। कुछ जानवर, कुछ परिंदे जिंदा जानवर उन परिंदों को खाते हैं, कुछ जो है वो मुर्दा को खाते हैं, और इंसान जो है वो सब कुछ खा जाता है। इंसान एक ऐसा एनिमल है वो कुछ नहीं छोड़ता, कहता ये भी ले आओ वो भी ले आओ। हम कुछ भी खा लेंगे। हमें बस हमने तबाही मचानी है, इधर से दबड़दूस करना है। ओए ये कौन है? ये तो मेरा दोस्त है, क्लास फेलो लग रहा है मुझे अपना। इतना एशियन ब्लैक बियर। कौन सा बियर? द एशियन ब्लैक बियर। एशियन ब्लैक बियर पूरा उसने पोज किया हुआ है। हाँ, कह रहा था ना फोटो लो मेरी, भाई साहब मैं एक्सटिंक्ट हो रहा हूँ, मैं बाद में नहीं आऊंगा। अच्छा जी, इसके बारे में बताओ हमें। जो एशियन ब्लैक बियर था, बेसिकली मुझे कार्ड देखने थे इसका। हाँ, ये हंटिंग के अंदर बहुत वो होता है। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हंटिंग ट्रॉफी। जो सारे हंटर्स होते हैं दे वुड डाय कि वो इसको जाके पकड़ रहे हैं। ठीक है। और जो हमारी सेटलमेंट है, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब हमें हर जगह दुनिया के अंदर दरख्त काटने और घर बनाने हैं। एक टाइम आएगा जब दरख्त नहीं रहेंगे, बंदे को सांस नहीं होगा, कोई चीज़ आ जाएगी जो सांस, हमें दरख्त की जरूरत नहीं होगी। पूरी दुनिया बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स में होगी और जानवर खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे एमबीए, मैं और तुम मिलके कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। ऑब्वियसली आप सब भी, ऑल ऑफ देम, हम सब एक मिलके ना एक फोर्स ज्वाइन करनी है जो एनिमल्स को सेव करें। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप वो दिखा दे, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड दिखाएं जी। जी, ये बहुत यूनिक क्रिएचर्स होते हैं जो बहुत ऊंचे माउंटेनियस एरियाज में, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर मिले जाते हैं। और ऑब्वियसली जो स्नो मेल्ट हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इनकी वजह से ये डाई आउट कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि 2003 में इनकी सिर्फ 6,590 स्पीसीज रहती थी, यानी कि बहुत कम हो गई। तो फिर ये बड़ी है कि नहीं? मारखोर की तरह, जैसे मारखोर में 20% इंक्रीज आया। हाँ। स्नो लेपर्ड में कोई इंक्रीज आया? इनमें 5% का इंक्रीज। 5% का इंक्रीज, इससे 10 इसका मतलब है एमबीए, आप जो सारी बातें कर रहे हैं इसका मतलब है हम एज अ कम्युनिटी, यानी कि इंसान, हम इसकी तरफ एफर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ पे गलत बातें हो रही हैं वहाँ अच्छी बातें भी हो रही हैं, और उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। ये देखें कि इस दुनिया में सब बुरा नहीं हो रहा, देयर आर वेरी नाइस पीपल, जैसे कि ये लोग, आप, मैं, हम सब बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने एनिमल्स को हेल्प करना है। और एक साइड पे बुरे लोग भी होते हैं जो एनिमल्स को नहीं हेल्प करना चाहते। ऑब्वियसली हमें एनिमल्स को मारना पड़ता है क्योंकि वी नीड फूड, बट इट्स नॉट जस्ट फॉर फन कि वी किल देम, इट्स नॉट वेरी नाइस टू डू दैट। बिल्कुल। और मैं बस एक और प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आइंदा से हम सब अपनी बाहर जाके ट्रैश कैन यूज़ करेंगे। अगर गाड़ी में हम कभी बाहर नहीं कुछ फेंकेंगे, क्योंकि उस दिन किसी लड़के ने ग्लास फैंटा की बोतल बाहर फेंक दी और वो टूट गई थी, और उससे कितना नुकसान, ना सिर्फ गाड़ियों को हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बल्कि ये जो हैबिटेट है इन जानवरों के लिए भी वो नुकसान। बिल्लियों के देखे पाँव के अंदर घुस जाए होंगे, इतना पेन होती है डॉग्स को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। MVA, you are great. Thank you very much. भाई आज इतनी informative session था, इतना informative session था MBA का. I'm sure आपने इससे कुछ ना कुछ learn किया होगा, और बहुत सी चीज़ें MBA हमें ऐसे बताते हैं जो हमारे लिए ऐसे नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल नई होती है, और हम कहते हैं wow, हमने कोई wheel invent कर दिया, हमने पहिया ईजाद कर दिया, कोई नई चीज़ ले आए हैं। ऐसी बात नहीं, वो चीज़ें हैं जो हमने शायद बचपन में स्कूल में पढ़ी भी हैं, हम दिन रात इनको सुनते भी रहते हैं, लेकिन हम सुनने बस हमारे कानों से गुजर जाती है, हम उसको इंटरनलाइज नहीं करते। एम बी हमें इतने अच्छे अंदाज में ये चीज़ें बताते हैं कि वो हम इंटरनलाइज भी करते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। आपका जो फीडबैक हमें आ रहा है
ब्रेकफास्ट एट होम का जो हमारा फेसबुक पेज है ब्रेकफास्ट एट होम के नाम से, या मेरा जो फेसबुक पेज है तौसीफ हैदर के नाम से, उस पर जो आप लोग फीडबैक देते हैं इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. स्पेशली पेरेंट्स का शुक्रिया कि वो एमबीए और हमारे जैसे दूसरे साथियों के सेशन से इतना लर्न करें एंड दे मेक श्योर कि सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे ये सेशंस देखें. लेकिन आपको हम बताते चलें कि अगर आप सुबह के वक्त ये सेशन मिस करते हैं तो शाम 4 बजे पीटीवी होम पे हमारा ये शो जो है वो रिपीट पे होता है. बच्चे स्कूल से आके भी ये सेशंस देख सकते हैं. तो हम एक छोटा सा लेंगे जनाब मशहूरियाँ ब्रेक, और मशहूरियाँ ब्रेक के बाद अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं, और आज अब्दुल्ला हमें हमारे इंटीरियर्स और हमारे हाउस और ऑफिस डेकोर के हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स देने वाले हैं. रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं. ये जनाब ब्रेकफास्ट एट होम में आपको पता है कि हमारी मंडे मॉर्निंग्स को अपने खूबसूरत क्रिएटिव रिलैक्सिंग कलर्स और आइडियाज के साथ सुहाना कर देते हैं. अब्दुल्ला भाई गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. क्या हाल है आप? बिल्कुल खैरियत से. ठीक ठाक है. आज अब्दुल्ला एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन आज मैं भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, और वो है अब्दुल्ला का टेलीफोन नंबर, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें प्लीज़ बता दें उनका पर्सनल नंबर. तो आज फाइनली साथियों मैं अब्दुल्ला का पर्सनल नंबर अनाउंस करने जा रहा हूँ. लेकिन पहले हम सेशन की तरफ चलते हैं कि आज जो किस टॉपिक पे बात करनी है. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट आई विल टेल यू, तो आप अपना फ़ोन कॉपी पेंसिल तैयार रखें. तमाम हजरात और ख़वातीन जिन्होंने इस चीज़ पे इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में, जिनका नाम अब्दुल्ला है. अब्दुल्ला आज हम सीलिंग की बात कर रहे हैं. जी. Why is ceiling important? तौसीक, सब लोग जो हैं वो जो फर्श होता है उसके ऊपर टाइल्स लगाने हैं, कोई वुडन फ्लोरिंग करना है, कारपेट्स रखने हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं. दीवारों पे कौन सी पेंटिंग लगनी है, कहाँ पे लाइट आनी है, कौन सा कलर करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट सीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम यूजली उसको छोड़ देते हैं, और अगर उस पर थोड़ा सा हम काम करें, थोड़ा सा उसके ऊपर तवज्जो दें, तो उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सो जो आज हमारे विजुअल्स हैं वो सारे उसी से रिलेटेड हैं, ताकि थोड़ा सा दिखा सकें कि किस तरीके से आप सीलिंग को भी जो है ना वो अपने इंटीरियर का. ग्रेट जी, शुरू करते हैं. तो सीलिंग्स पे आज, ओ वाओ जी, इन्होंने आप देखें जो फर्श है वो आपका टाइल्स लगे हुए हैं, और जो उन्होंने वुड वाला एलिमेंट है वो उसको छत के ऊपर. फर्श जो है वो बिल्कुल सिंपल है. बिल्कुल सिंपल है, लेकिन छत जो है उसके ऊपर कुछ शशका है. बिल्कुल, और उसी में उन्होंने लाइट्स भी इंटीग्रेट की हुई हैं और बाकी की सारी चीज़ें भी की हुई हैं. तो अगेन जैसे आप स्पेस में एंटर होते हैं तो वो एक डिफरेंट सा उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है. और राइट साइड पे भी जी इंटरेस्टिंग सा उसका कुछ जी. और इसमें एक अनदर चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि आप जो वॉल के ऊपर अपना कोई एलिमेंट करें उसी को ही आप छत के ऊपर कंटिन्यू ले करके ले जाएं. तो दोनों पिक्चर्स में जिस तरीके से उन्होंने पीछे वुड के साथ डिटेल की हुई है, तो वो सेम डिटेल को जो है वो दीवार से कंटिन्यू करके छत के ऊपर ले गए. और कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है जी, वो एक कंटिन्यूटी ऐड कर देता है, उसी के अंदर लाइट्स भी इंटीग्रेट हो जाती है. अच्छा, बाथरूम के अंदर पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजा. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाथरूम में आप अपनी पेंटिंग्स या तस्वीरें या कुछ कुछ क्रिएटिव आर्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली जी. नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? इसी तरीके से एक ये बीम्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं. ये होती तो स्ट्रक्चरल बीम्स नहीं है, ये सिर्फ एक उन्होंने थोड़ा सा उसको एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे ऐड किया हुआ होता है. सो अगेन एक विजुअल है, उसमें उन्होंने जो उसका वुड का टेक्सचर है उसको मेंटेन किया है, और जो दूसरा है उसमें उन्होंने उसको वाइट कर दिया है. बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि जो वो आपकी वुडन बीम्स हैं वो उसके अंदर शामिल हैं. सो भी एक थोड़ा सा आर्टिकुलेशन ऐड कर देती है. ये लेफ्ट वाली कितनी खूबसूरत है, और ये हमारा जो इस खत्ते का जो ओरिजिनल स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें तो हमें ये बहुत नज़र आ. जी डेफिनेटली. और अगेन उसकी मल्टीपल फिनिशेज हो सकती हैं, आप वुड का जो टेक्सचर उसको मेंटेन रख सकते हैं, या थोड़ी सी आप रगेड लुक या विंटेज लुक में जाना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं. बट आप देख रहे हैं कि अगर बिल्कुल प्लेन होती छत, उसके कंपेरिजन में ये छोटी सी चीज़ ऐड करने से एक उसमें ड्रामा क्रिएट हो गया. एग्जैक्टली. और अगेन कलर्स के बारे में हम बात करते रहते हैं, सो अगेन अगर हम छत पे कोई डिफरेंट तरह का कलर कर दें सो वो भी एक कंपोजिशन जो है वो इंटरेस्टिंग बना देता है. तो आपके वुडन फ्लोर है, आपकी बड़ा वाइट से उन्होंने दीवारें रखी हुई हैं, लेकिन छत के ऊपर एक हल्का सा कलर ऐड करने से वो एक स्पेस का जो सारा का सारा ड्रामा है वही चेंज हो गया. एग्जैक्टली. अगेन सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलर्स, एक जो है वो बड़ा ग्रीन, बड़ा एक्सपेरिमेंटल ग्रीन यूज किया. जी जी बिल्कुल. और ये बाथरूम है,
और आप देख सकते हैं कि इन्होंने नीचे ये बाथरूम है? जी जी, नीचे जो है वो टाइल्स लगाए हुए हैं और दीवार पे और जो छत है उस पे एक ही कलर किया हुआ है। ये जिस घर का बाथरूम है उस वो घर क्या होगा, वो बेडरूम क्या होगा? तो पूरा मतलब मैं तो पूरे 2-3 हफ्ते इस कमरे में गुजार सकता हूँ जी। और कोई आप बोल्ड डिसीजंस भी ले सकते हैं कलर्स के हवाले से, उन्होंने टर्कवाइज कलर किया हुआ है, एक में उन्होंने मोव सा कलर किया हुआ है। सो अगेन ये स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लग रही है। ये मैं कुछ ऑफिस स्पेसेस के भी विजुअल्स लाया था बिकॉज हम सारा फोकस जो है वो यूजली घरों पे होता है। सो आप सिमिलर तरह की चीज़ें जो है वो कोई रिटेल स्पेस हो, कोई ऑफिस स्पेस हो, उसके अंदर भी उसको कर सकते हैं। जो इसमें एक और चीज़ होती है वो हम लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जो लाइट्स के तार होते हैं उनको हम यूजली छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने सारी की सारी जो उसकी वायरिंग है, जो उसकी पाइपिंग है, उसको एक्सपोज किया है और उसी से ही एक आर्किटेक्चुरल एलिमेंट या एक इंटीरियर का एलिमेंट। यानी ये मत समझा जाए कि जो ठेकेदार है वो भाग गया था काम छोड़ के। बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट वाली तस्वीर को देख के लग यही रहा है के ठेकेदार भाग गए, लेकिन ठेकेदार नहीं भागा, ये एक्चुअली डिजाइन का हिस्सा। जी जी, एक्चुअली डिजाइन किया गया है, बिकॉज इसमें अब ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपकी चीजें ये इंटेग्रल पार्ट हैं, ठीक है, अगर बिजली के तार नहीं होंगे तो आपकी लाइट नहीं जलेगी। तो जो भी चीजें इतना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं उसको छुपाने का फायदा नहीं है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको हम जो है ना वो दिखाते हैं। और मुझे याद है आज से 50-60 बरस पहले तो बिजली के तार जो है वो दीवार के ऊपर ही हुआ नजर होते थे। जी, और वो काले रंग का स्विच होता था जिसको क्रैक करके बड़ा सा सर्कुलर सा और उसमें से वो तार जा रहा होता था एक लकड़ी की पट्टी के ऊपर। क्या खूबसूरत वो विजुअल एलिमेंट, कितना अच्छा था। जी जी बिल्कुल, तो वो कंटिन्यूटी उसमें ऐड हो जाती है, एक आपको डायरेक्शन मिल जाती है। सो अगेन उसको थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से, और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी थोड़ी जिंदगी आसान हो जाती है अगर तार कहीं से खराब हो जाए। जी अगला कुछ है हमारे पास, हां वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। जी, सो मोर लाइट्स के साथ डिफरेंट ऑप्शंस, ये चीजों को रिसाइकल भी करने का एक काफी ज्यादा कांसेप्ट है। सो जो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर विजुअल इसमें देख सकते हैं कि एक पुराना दरवाज़ा था, उन्होंने उसको रिसाइकल किया और छत के ऊपर उसको फिक्स करके उसके अंदर से लाइट्स और शैंडलियर्स हैं। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ ऊपर की मंजिल पे जाने का ये एक रास्ता भी है अगर सीढ़ियों से ना जाना चाहे। जी, और जो राइट साइड के ऊपर विजुअल है उसमें अगेन उन्होंने तारों के साथ ही डिफरेंट तरीके से लाइट्स को हैंग किया हुआ। एग्जैक्टली, ठीक है, ये भी कुछ रिटेल स्पेसेस के हवाले से, अगेन छतों के साथ, बाकी सारी की सारी चीज़ें सिंपल हैं पर छत के साथ थोड़ा सा प्ले कर करके लाइट्स और कलर ऐड करके एक स्पेस को जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से फील दी हुई है उन्होंने। जो इसमें एक और चीज़ है वो हम कुछ थोड़ा सा पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि उन्होंने वुड यूज़ की हुई है लेकिन उससे जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किए हुए हैं छत में, तो वो जो स्पेस है वो। अच्छा अब्दुल्ला, अगर ये जो तस्वीरें अभी तक हमने देखी हैं इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे कॉमन नज़र आ रही है कि खैर टॉयलेट्स और बाथरूम्स के भी आपने मिसालें दी, लेकिन जो रूम्स हैं वो काफ़ी कुशादा और बड़े कमरे हैं। हमारे यहाँ आम जो पाकिस्तान की सेटलमेंट्स हैं और जो हमारा लिविंग स्टाइल है उसके अंदर कई बार बहुत बड़े कमरे नहीं है, तो क्या छोटे कमरों के छतों पे भी इस तरह का तजुर्बा अच्छा लगेगा? जी जी बिल्कुल, छोटे कमरे हों चाहे बड़े कमरे हों, जो भी आपके कमरे का साइज़ हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी नहीं है, लेकिन जो ये सारे के सारे आइडियाज़ हैं या जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कलर्स का, एक कोई बीम्स ऐड करने का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आप छोटी स्पेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो इक्वली उतनी ही अच्छी लगेंगी। और कलर्स की जो सिलेक्शन है वो तकरीबन वही हो जो आप हमें हमेशा से बताते हैं, हमेशा से छोटी जगह हो तो लाइट कलर यूज करें, बड़ी जगह हो तो डार्क कलर से एक्सपेरिमेंट किया। बिल्कुल ऐसा ही, एक बेसिक रूल है जिसको हमने फॉलो करना है। जी कुछ और है? अरे वाह, सो अगेन ये भी सारी जो है वो स्टील में बनी हुई स्क्रीन्स हैं, तो उन्होंने वो छत के ऊपर लगाई हुई है, और अगेन जो हमने एक थोड़ी सी कंटिन्यूएशन की पहले बात की तो सिमिलर तरह की चीज यहाँ पे भी की हुई है कि वो दीवार पर भी वही चीज आ रही है और फिर वो वही चीज जो है वो छत पे भी कंटिन्यू हो जाती है। और ये कुछ ऑफिस स्पेस है, अगेन इसमें उन्होंने थोड़ा सा इंटीरियर जो है उसमें कलर्स यूज़ किए हुए हैं और छत से जो है वो बिल्कुल प्लेन सीलिंग थी बट कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैंग करके जो वो डिफरेंट तरह के सॉलिड मटेरियल वुड के साथ उन्होंने उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ। अच्छा ये जो सारी आज हमने पिक्चर्स देखी इनसे मुझे लग ये रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप को बहुत बड़ा कोई अब्दुल्ला चाहिए जो आके आपको
एज ए डिजाइन कंसल्टेंट बताए कि जी मैं ये समझता हूँ कि आपकी छत को हम यूं से यूं कर देंगे, मेरा ख्याल है अपने अंदर का डिजाइनर भी थोड़ा सा लोगों को डिस्कवर करना चाहिए। आप जो टिप्स दे रहे हैं खुद से भी एक्सपेरिमेंट करें। आपकी रोजी पे मैं लात मार रहा हूँ लेकिन तौसीक, इसमें मैं अपने क्लाइंट से भी ये कहता हूँ और जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको भी बता दूँ और आपको भी बता दूँ। देखें, इसमें यूजली जब भी हम कोई इंटीरियर स्पेस कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी हमारा सेट है, अब इसके लिए अगर हमने कोई कारपेट लेना है उसके लिए हमें एक डिफरेंट स्टोर में जाना है और एक डिफरेंट जगह से जाके उसको परचेज करना है। ठीक है, हमें फ्लोरिंग के लिए जाना है तो टाइल्स का एक डिफरेंट स्टोर है। हमें पेंट लेने जाना है तो वो एक डिफरेंट बंदा है। ठीक है, हमें फर्नीचर लेना है उसका एक डिफरेंट स्टोर है। कारपेट वो सॉरी कर्टन्स जो है वो आपको एक डिफरेंट जगह से मिलेंगे। सो जो इंटीरियर डिज़ाइनर की या आर्किटेक्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि जो सारी के सारे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं ये एक साथ आके किस तरीके से लगेंगे। अच्छा जी, तो ये और वो पहले से देख लेता है। Yes. वो पहले से विजुलाइज कर जी जी, तो पसंद डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की अच्छी होती है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पसंद होती है, लेकिन जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो आपको ये गाइड करता है कि ये जो आप चीज़ पसंद कर रहे हैं ये बाकी सारी सेटिंग के अंदर फिट हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। अपनी दुकान कितनी खूबसूरती से अब्दुल्ला ने उसे खोले रखी है, क्या तौसीक बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं मेरी दुकान है और चलती रहेगी। वैसे कारपेट से याद है, हमारे कारपेट के अंदर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐड करने वाले हैं बहुत जल्द, और मैं अब उस सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ कि हमारा ये कारपेट चेंज होना है। जी जी बिल्कुल, सो आई एम वेटिंग फॉर, मैंने सुना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक एक्सपेरिमेंटल चीज आने वाली है। डेफिनेटली, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले मुझे याद है कि मैंने अब्दुल्ला का नंबर आप लोगों को बताना है फॉर ऑल दोज गाइज एंड लेडीज जो कि अब्दुल्ला का पर्सनल नंबर में इंटरेस्टेड है। 03 आप बता दें वरना फिर हर प्रोग्राम में 3033 बता दूं फिर आपकी मर्जी। ये इसके बस परवाज ही ना कर जा रू यहाँ से। अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा हम मशहूरियाँ ब्रेक लेंगे और मशहूरियाँ ब्रेक के बाद आपको पाकिस्तान के मीडिया टेलीविजन रेडियो और थिएटर के एक ऐसे चेहरे से मिलवाना है कि बचपन से उनसे मेरी दोस्ती है। आप सोच रहे थे मैं कहने लगा मैं बचपन से उन्हें टीवी पे देखता आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरे हम असरों में से हैं और बहुत अच्छी हमारी दोस्त हैं। इनसे मैंने बहुत सीखा, उर्दू ज़बान तलफ़ुज़ लहजा अदायगी माइक्रोफोन से दोस्ती कैसे करनी है। जब बहुत अरसा पहले जब मैंने नया नया अपना करियर शुरू किया तो माइक्रोफोन से दोस्ती मुझे इन्होंने सिखाई। आज इनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। यूजुअली जब ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू से आगाज होता है, आज हंसी से आगाज हो रहा है, इसलिए कि जो मेरी मेहमान है और उनकी मौजूदगी जो है वो कहकहों और मुस्कुराहटें बखेरने के सिवा इर्द गिर्द कुछ और हो नहीं सकता। जिनका कुछ देर पहले मैं एक और हवाले से तारुफ करवा रहा था कि मैंने सदाकारी के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर और टेलीविजन और रेडियो के सारे खेल तमाशे में मैंने नरगिस रशीद से इतना कुछ सीखा कि शायद ये कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है। आदाब, खुश आमदीद, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 38 बरस हो गए, अब ये बताइए 38 होता है या 38 होता है? 38 होता है। 38 बरस हो गए, देखिए उस्ताद सामने बैठा हो तो जान जान के जी करता है कि कुछ पूछा जाए। ये तो बता दो कि उस्ताद कौन है। मैं उस्तानी कहता तो शायद ज्यादा नहीं, हम दोनों में से उस्ताद एक दूसरे का कौन है। अच्छा, आपने वो वाला इंट्रो नहीं कराया जो लास्ट टाइम इंटरव्यू में। अच्छा, वो कर रहा हूँ, वो नरगिस का फेवरेट इंट्रो है कि भाई ये वो शख्सियत है। अमूमन मेहमान से हम एक दो मिनट पहले जब ब्रेक होता है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ जी कोई ख़ास चीज़ जिस पे हमने बात करनी है। नरगिस से वो चीज़ें डिस्कस की गई जिन पर जो बातें नहीं करनी, जो लफ्ज़ नहीं बोलने, उस पर ज़्यादा फोकस रहा। ये मेरा फेवरेट इंट्रो है जो ये हमेशा देते हैं जब मुझे बुलाते हैं कि कौन सी बातें नहीं करनी। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच, खूबसूरत उसने नज़र। तंग नहीं पड़ी मुझसे? इश्क से कोई तंग पड़ता है क्या? ये कैमरा, ये माइक्रोफोन, इश्क है हमारा। इश्क से मैं गिनती नहीं होती ना, 38 साल तो मुझे लगता है 38 सेकंड भी नहीं हुए। आज भी माइक के आगे बैठो या कैमरे के सामने आओ तो लगता है कि बस अभी बैठे हैं। अभी भी टांगे कांप रही होती हैं हमारी जब हम कंपेयरिंग कर रहे होते हैं।
सीरियसली सीरियसली स्टेज पे स्पेशली मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था माइक्रोफोन से दोस्ती का, ये क्या चीज होती है? ये इंसान का अपने साथ इश्क होता है, जो बातें हम खुद से नहीं कर सकते हैं वो माइक्रोफोन के साथ कर रहे होते हैं, जो बातें हम शेयर करना चाह रहे होते हैं वो माइक्रोफोन के साथ कर रहे होते हैं। स्पेशली जब आप बचपन में शुरू कर देते हैं ना माइक्रोफोन के साथ वन टू वन कम्युनिकेशन, वो फिर आपकी लाइफ लॉन्ग होती है। फिर वो मुझे अभी भी याद है, मैंने एक मरतबा ज़मीर जाफरी साहब का जब इंटरव्यू किया तो कहने लगे कि मैं पूरी दुनिया फिरता हूँ लेकिन जो रेडियो का 100 रुपये का चेक और जो माइक्रोफोन का नशा ना वो नहीं उतरता। तो उस ज़माने में रेडियो जो है वो सबसे बड़ा मीडियम, हाँ सबसे बड़ा मीडियम था, अभी भी बहुत बड़ा मीडियम है। ये गलत फहमी है लोगों की कि माइक्रोफोन जो है वो उसकी लाइफ ख़त्म होगी, कभी भी नहीं हो सकती। हमारे अंदर के सारे जज्बात माइक्रोफोन के ज़रिए ही तो निकल रहे होते हैं। सो मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ स्टूडियो में, लाइट में, वो एम्बियंस और है, वो माहौल और है, वो तासुरी और है। लेकिन टेलीविजन के कैमरे के सामने भी बहुत कंफर्टेबल, जिस तरीके से आपने अपनी वर्सेटिलिटी मनवाई है, पाकिस्तान की आप उन अदाकाराओं में से हैं जिनको जादूगरनी से लेकर एक 16 साल फकीरनी तक, फकीरनी भी फकीरनी बनाते हैं मुझे अक्सर फकीरनी बना देते। अच्छा, उसकी क्या खास वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं मेकअप कॉन्शियस नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो गेटअप पहले डिस्कस करती हूँ पूरा स्क्रिप्ट लेकर। अब तो गेटअप की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन काला होने के लिए पड़ती है, बाकी तो उम्र आ गई है फकीरनियों वाली, फकीरनियाँ जवान नहीं होती हैं ज्यादा पैसे लाभ देने। अच्छा, तो वो हम बात क्या कर रहे थे? अब ये बातें नहीं करनी थी हमने तय किया। हाँ, ये बातें नहीं करनी थी। नहीं, हम बात ये कर रहे थे वर्सेटिलिटी। हाँ, तो वो उसकी वजह ये है कि हम लोग मेकअप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मुझे मेरे एक उस्ताद अल्लाह मगफरत करे जमशेद फरशोरी, आपके भी उस्ताद हैं, आधा जो इस्लामाबाद का टैलेंट है वो जमशेद फरशोरी ने इंट्रोड्यूस कराया एज अ कॉम्पेयर एज एन एक्टर। तो जमशेद ने मुझे एक बात कही थी कि नरगिस, जो इंसान ये पूछता है ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या फिर जो कैमरे में यूं करके बाल ठीक करके देख के, हाँ भाई मेरी लुक्स कैसी आ रही हैं यूं करके पूछेगा ना, वो कभी अच्छा एक्टर नहीं हो सकता। सो माइनस कर दीजिए, आर्टिस्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द लुक्स। तो बस यही बात है कि, और मैंने ग्लैमरस से लेके फकीरनी तक का कैरेक्टर एक्सेप्ट किया है, चाहे वो एक लाइन का है, चाहे वो एक सीन का है, चाहे वो हीरोइन का है, हमेशा मैंने कभी ना नहीं की एक्टर। आप की ट्रेनिंग हुई है इस तरह से, जिस तरह आज ये 4 कैमरे लगे हुए, अब एक कैमरे से वो काम करना पड़ता है, कैसा तजुर्बा? बहुत मिस करती हूँ मैं, इतना बीटीवी को मिस करती हूँ ड्रामे में कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बूम, वो कंफर्ट लेवल, वो एसी वाले स्टूडियोज, इतना बड़ा तो स्टूडियो कंसेप्ट ही नहीं है, छोटे छोटे कमरों में, हम तो पंजाबी कहते हैं खुडा चवाड़ के ऐसी रिकॉर्डिंग करने। और जितनी बुरे हालात हैं ना प्राइवेट प्रोडक्शन के, अगर कुछ स्क्रीन पे अच्छा आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आप तो स्टिल कैमरे की शूट होती है। नहीं, तो हमें तो वो इतने बड़े बड़े ग्लैमरस जो घर नजर आ रहे थे, तो वो खुडे तो नहीं होते, इतने से कैमरे से शूट हो रहे होते हैं। अब आप बताइए, आपको आदत हो इतने बड़े बड़े 4-4 कैमरों की और आपको रीटेक्स नहीं देनी पड़ रही, मतलब एक ही काम मुझे 4 दफा करना पड़ रहा है, एक ही अच्छा, कैमरा है, 4 कैरेक्टर्स, हाँ 4 कैरेक्टर्स हैं अगर, तो एक ही काम मैं 4 दफा कर रही हूँ। इधर तो आप कट हो रहा है, दूसरा कैरेक्टर भी साथ ही शूट हो रहा है ना, सिंगल कैमरे में तो ये नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा हो गया, मुझे टेक्निकलिटीज इतनी नहीं आती हैं, बींग एन एक्टर मैं बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं हूँ सिंगल कैमरे में। हमारा जो आउटडोर होता है वही मुझे बहुत भारी लगता है, जो हमारा टेलीविजन का पीटीवी का आउटडोर होता है सिंगल कैमरा होता है, लेकिन हम ये स्टूडियोज मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। हमें यहाँ पर एक DR किया करते थे, एक CR किया करते थे, डायरेक्ट रिहर्सल, कैमरा रिहर्सल एंड देन टेक, कोई चौथी पांचवी आठवीं दफ़ा नहीं। अब तो हमारी लिटरली मैंने 50 रीटेक्स अभी करवाई हैं। देखने वाला शायद ज़्यादा रिलेट कर सकता है क्योंकि वो ओरिजिनल जगह है, वो ओरिजिनल पार्क है तो पार्क है, घर है तो घर है, सेट के हवाले से आप बात कर, सेट के हवाले से कि वो नेचुरल फीलिंग आती है, लेकिन उसमें फिर लाइट एंड साउंड की परफेक्शन नहीं आती जो सेट की आती थी। आपके मुताबिक आपने अगर बच्चों का सेगमेंट है तो उधर किया, आपने डिजाइनिंग का तो इधर किया, गेस्ट का इधर किया, ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलती हैं। आपका स्क्रिप्ट और होता है, लोकेशन और होती है, लोकेशंस में चॉइस नहीं मिल सकती आपको। आप इस्लामाबाद में प्रोडक्शंस शुरू हुई हैं तो अगर अमीर आदमी दिखाना है तो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, मलोट है, इधर रावल डैम चले गए तो बनीगाला चले गए। अच्छा, कराची से बहुत ज़्यादा फोकस अब इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया। क्यों? एक ही कोठी अगर आपको 10 चैनल्स पे नजर आ रही है तो स्क्रीन तो नहीं ना, स्क्रीन तो नहीं चेंज होगी ना। तो अब बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में शूट करें क्योंकि आपकी स्क्रीन चेंज हो रही है, कलर आ रहा है उसमें। और शायद इस इलाके में आपको पहाड़ भी मिल रहे हैं, नेचुरल बड़ा अच्छा मॉडर्न शहर भी मिल रहा है,
हर तरह का गांव। आप देखें ना, आपने जब भी कोई सीरियल में एक ट्रैक शूट करना होता था तो वो सब मरी या नतिया गली आके करते थे, या अब सवात के हालात इतने अच्छे हो गए कि आप सवात में सीरियल्स बन रहे, तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अब टेलीविजन में, पीटीवी में भी अब सेट का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। हमने अभी सीरियल किया है, हमने आउटडोर ही किया है, पहाड़ों में, खेतों में जाकर, गाँव में, देहातों में, लोकल जो सीरियल किया, जो हमने अभी ईद का प्ले किया था वो हमने लोकेशन पे जाके किया था। सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे स्टूडियो में बहुत। नरगिस हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इनसे खुश रहने के एक दो टिप्स आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि क्या ये जो हंसती मुस्कुराती हर वक्त कहे बिखेरती और पुरलुत्फ मजाक क्रिएट करती हुई सेट्स के ऊपर नरगिस रशीद है, क्या ये अकेले में भी इतनी खुश रहती है? रही मेरे साथ, एक छोटा सा वक्त अभी मिलते हैं। सतासी में जब पहली बार मैंने रेडियो पे माइक्रोफोन नरगिस के साथ शेयर किया तो ज़ाहिर है मैं कुछ घबराया हुआ था, इसलिए कि उस वक्त एक मंझी हुई आर्टिस्ट थी और इनसे सीखने का मौका भी मिल रहा था, लेकिन वो पहली मुलाकात का मेरा ख्याल है पहला मिनट था कि हम दोनों हंस रहे थे। और वो दिन और आज का दिन जब मुलाकात होती है, हंसी के अलावा बात ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। और ये शख्सियत मेरा ख्याल है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये नरगिस रशीद हर कॉलीग, हर कैमरामैन, चाहे कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, कहीं पे भी, हर मेकअप आर्टिस्ट, हर प्रोड्यूसर, हर राइटर, हर एक्टर ये कहता है कि जब नरगिस सेट पे होती है तो एक बहार सी होती है। ये सब क्रिएटेड है नरगिस या लर्न्ड? मैंने सीखा जिंदगी करना, सीखा। छोटी सी एक सिंपल सी बात है, एक बाबा जी थे, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की थी, वो मुझे ये कहा करते थे कि सच का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है। मेरे उस्ताद भी थे, कहते थे सच का रास्ता मुश्किल है लेकिन नरगिस रशीद इस पे चलती जाओगी ना तो कामयाबी सच के रास्ते की होगी। अपने अंदर से हसद निकाल दो, नंबर वन। नंबर टू, कॉम्पिटिशन निकाल दो, शुक्र करो, बस सब्र करो और शुक्र करो। तो बस ये दो चीज़ें अपनाई और यकीन करें मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई नेगेटिव चीज़ भी हो ना तो मैं कहती हूँ मिन जाने वल्ला है, बंदा तो वैसे ही, तो फिर मैं नाराज़ नहीं होती किसी से इसी वजह से, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। हमारे माशरे में एक लड़की की शादी ना हो तो ज़िंदगी भर की तोहमत है कि शादी की उम्र निकली जा रही है, फिर शादी नहीं हो सकी, अच्छा फिर शादी नहीं हुई। आपने अपनी शादी ना करना या ना होना, बाय द वे ये दो चीज़ें भी हैं मैं जिस पर आपका ओपिनियन चाहूँगा, इसको एक बहुत फ़र्क अंदाज में लिया। मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रा अपनी फीलिंग बताएं कि एक इंसान शादी करता नहीं है या शादी होती नहीं है, पहले तो ये बताइए। अच्छा, आप ही ने 8-10 साल पहले मेरा इंटरव्यू किया था और आपने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था। आपने मुझे कहा था कि आपने स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया, फैक्ट को एक्सेप्ट किया, तो पुर उम्मीद रहे, तो मैं अभी भी पुर उम्मीद हूँ, डिसअपॉइंटेड तो नहीं। नहीं, मैंने ये तो बात ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम। तो जब आप डिसअपॉइंटेड नहीं होते तो फिर आप हमेशा खुश रहते। दूसरी बात, करने कराने की तो बात ही नहीं है, जब पत्ता भी उसके हिलाए बगैर नहीं हिलता तो फिर निकाह भी उसके कराए बगैर नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है गॉड हैज केप्ट द बेस्ट फॉर मी, इस वजह से नहीं हुई। लेकिन और हमारे उस सोसाइटी के एंगल को आप कैसे देखती हैं कि उठते बैठते एक सवाल हर एक के चेहरे पे होता है? तो लोग ही पूछ के थक गए। मैं यही जवाब देती हूँ हर एक को, ये आपने शादी नहीं की, आपने शादी नहीं की, तो मैं उनको कहती हूँ कि हुई नहीं, मैं तो करना चाहती थी हमेशा से ही, तन्नत पता, लेकिन हुई नहीं। ये इसका अब मैं कोई हल नहीं निकाल सकती, अब मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी माँ, शी नीडेड मी मोर। अच्छा, शादी ना होने से क्या कोई कमियाँ ऐसी रह जाती हैं कि ज़िंदगी मुकम्मल ना हो सके? मैं आपके सामने हूँ तो उसे 30-35 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो आप देख लें कोई कमियाँ हैं। मैं शायद नहीं, हाँ मैं सड़ियल नहीं हुई यूजुअली हमारे इर्द गिर्द। हाँ, मतलब ये है कि हमारे अपने मीडिया में जिन जिनकी शादियाँ नहीं हुई बहुत सड़ियल सी हो गई हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो गई हैं, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना फैक्ट को, शादी करने से नहीं होती, शादी होने से होती। तो नहीं हुई तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, कि आप जीना छोड़ दें कि शादी नहीं हुई, कोई एक मर्द आपकी ज़िंदगी में नहीं शामिल। इतना कुछ है ज़िंदगी में,
इतने रिलेशनशिप्स हैं, इतनी प्रैक्टिकलिटी है, आप छोड़ दीजिए ना उस एक शख्स को रोने से कि नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं, नहीं। और जिनकी हुई है वो भी पछता रहे हैं, वैसे आपस की बात है, ऐसे नहीं कि बोर के लड्डू है मैंने नहीं खाए तो मैं बोल रही हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप बहुत लकी हैं, अपनी नींद सोती हैं, अपनी नींद जाती हैं। मैं 5 दिन कमाती हूँ, 2 दिन खर्च करने के लिए हिल एरिया पे चली जाती हूँ, मैं 8 दिन कमाती हूँ, मैं 8 दिन उसको खर्च करने के लिए चली जाती हूँ। सो दुनिया देखे, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत पाकिस्तान को बनाया है, दुनिया को बनाया, उसे देखें और उसमें आप यकीन करें। मैं जब भी कभी, अव्वल तो मैं उदास अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, हूँ तो मैं नेचर के पास चली जाती हूँ। आप पहाड़ों में जाते हैं, आप दरिया के पास जाते हैं, आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। ये तो हमने कितना ट्रेवल किया इकट्ठे, और आपने देखा हम कितने खुश रहते हैं। आपने भी तो शादी नहीं की, या हुई नहीं? हुई नहीं। वाह, मुझे जानती, मैं भी बड़ी बड़ी कोशिश की। कोशिश से नहीं होता ये काम। हाँ, बल्कि नरगिस का एक बहुत अच्छा जुमला है, ये कुछ 2-3 साल पहले मुझे मिली तो कहती है, असद दो मेरा ख्याल आखिरी चाची दो में एक दूसरे वास्ते रह जाओ। अच्छा नरगिस, इस वक्त जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है फिल्म इंडस्ट्री को, हमें तकरीबन क्या तकरीबन बल्कि 100% ही वही चेहरे फिल्म में नज़र आ रहे हैं जो कि ड्रामे के चेहरे। आप इसको कैसे देखती हैं? एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं, फिल्म का तो चेहरा ही फर्क होता है, जो फिल्म का चेहरा अगर टेलीविजन पे आप रहे आए तो वो ग्रैंडर, वो लार्जर देन लाइफ, सारा इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। ये टीवी का चेहरा और फिल्म का चेहरे पे आपकी क्या टेक? पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि आप एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस कराते हैं। जितने नए लोगों के साथ पूरी फिल्म बनी है वो सब फ्लॉप हुई है, ये हमारे रिकॉर्ड पे है। हमेशा एक्वेंटेड फेसेस जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, जिनसे लोग अपने आप को रिलेट कर चुके हुए हैं, हमारा तो बेडरूम ड्राइंग रूम मीडियम है तो लोग हमें जानते हैं, तो हमें अपनी पहचान कराने के लिए 4 फिल्में नहीं करनी, पहले हम पहली फिल्म से पहचाने जाते हैं। सो आप देख लीजिए ना कि जितने टीवी फेसेस हैं, आप हुमायूं टीवी फेस है, उसकी कोई फिल्म ऐसी नहीं जो हिट ना हो, मैं भी शायद टीवी फेस है, फहद मुस्तफ़ा टीवी फेस है, ये सब टीवी फेसेस हैं, तो इनकी जो फिल्में हैं वो सुपर डुपर हिट हो रही हैं। अली ज़फ़र स्टार्टेड फ्रॉम टीवी, तो मैं पर्सनली, मैंने भी अभी एक फिल्म की है और मैं समझती हूँ कि टीवी का एक्टर, जैसे हम जब टीवी में आए थे तो हमें ये कहा गया था कि आप रेडियो के एक्टर हैं इसलिए टीवी पे ठीक काम कर रहे हैं, कि आप लोगों को स्ट्रेस, पॉस, लहजा, डायलॉग डिलीवरी, 50% काम तो हम, मुझे आज भी एक्टिंग नहीं आती, मैं 50% काम जो है वो अपने डायलॉग डिलीवरी से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आता है थोड़ा बहुत चलता। तो फिल्म भी वो थर्ड मीडियम, आगे चले गए ना हम, फिर हमें जब हम रेडियो के एक्टर हैं, फिर टीवी के एक्टर हैं, फिर थिएटर के एक्टर हैं, तो हम फिल्म बेहतर कर सकते हैं, पर्सनली मेरा ख्याल है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में है, ये पूरी दुनिया में है कि जो भी किसी और मीडियम से आया वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। हमारी भी सारी सुपर हिट फिल्में टीवी के एक्टरों की है। रेडियो भी कर रही? रेडियो आजकल नहीं कर रही, और बहुत मिस करती हूँ रेडियो को बहुत। मैंने सारी ज़िंदगी, आपको पता है, मॉर्निंग शो किया, चांद के साथ साथ सफ़र करते थे हम, और मॉर्निंग शो जब ख़त्म हुआ तो मेरा इतना दिल टूटा कि मैंने बस छोड़ ही दिया एकदम से। लेकिन मैं मिस करती हूँ, करूँगी, आपको भी मैंने कहा था चलो मिलके एक शो करते हैं। हाँ, वैसे वाकई हमने इतना ज़्यादा रेडियो इकट्ठा किया हुआ। एग्जैक्टली, और वो होना चाहिए, वो लुत्फ जो है वो इस कैमरे, फिर आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती कॉम्प्यूटर्स के साथ। वी वर लकी कि हमारी केमिस्ट्री स्टेज शो है या रेडियो है या टीवी है, हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती है। तो दो लोग जब बैठ के अपनी अपनी बोल रहे होते हैं ना, उससे बेहतर होते हैं दो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके बोल रहे हो, तब ज़्यादा रिलेट करता है व्यूअर या हमारा जो सामे है, तो वो नहीं अब मिलता ना। टेलीविजन पे होस्टिंग कैसी हो रही है आजकल? आई रिजर्व माई कमेंट्स। सबसे अच्छी बात आपकी ये है, मैंने सताइश बहामी खोल ली यहाँ। सबसे अच्छी बात ये कि आप मेहमान को बुलाकर उस से बोलने का मौका देते हैं जो कोई नहीं देता। मैं किसी मॉर्निंग शो में सिवाय पीटीवी जुगन के और आपके आज तक नहीं गई, मैं कराची रहती हूँ, मैं नहीं जाती, यही रीज़न है। आप मेहमान को किस लिए बुलाते हैं? सब कुछ तो आप खुद बता देते हैं, वो क्या करे बैठ के? एक ग्लैमरस सी चीज़ आपने बिठा दी या एक नॉन फेस आपने बिठा दिया। और सेकेंडली, मेहमान की इंसल्ट बहुत की जाती है शोज़ में, विच आई नेवर लाइक। मैं खुद कॉम्पेयर हूँ, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि आप मेहमान को बुला के उसकी इंसल्ट करें। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी एंकर को कंपेयर को, मैं कहती हूँ यहाँ पे आप एक सेगमेंट शुरू करें जिसमें आप कंपेयरिंग करना सिखाएं, लोगों को एंकरिंग करना सिखाएं, ताकि पता चले चैनल्स वालों को कि एंकरिंग होती क्या, कौन सा लफ्ज कहना है, कौन सा नहीं कहना। एक सेल्फ सेंसर्ड जो सिस्टम हमारे यहाँ लगा ना, कूल उल्ना से हुसना का, वो होना चाहिए
कि पता हो कि क्या बात कहनी है. मतलब आप गलत बात कहने के बाद उसकी माजरत कर रहे हैं तो आप पहले ही मत कहें ना. पहले सोचो, हाँ, फिर तोलो, फिर तोलो, हाँ, फिर बोलो. और अच्छी बात कहो, पॉजिटिव बात कहो. टीवी पे बैठ के नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं हम लोग, हमारा काम नहीं है. नरगिस रशीद हमारे साथ मौजूद हैं. एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, मशहूरियां ब्रेक पे भी ये मशहूरियां ब्रेक क्या, ये मुझे इस ब्रेक के बाद जरूर बताएं. मशहूरियां ब्रेक ये हम सबको पता है जी, मशहूरियां ब्रेक क्या है नरगिस को भी बता देते हैं. असल में कमर्शियल और एडवर्टाइजिंग को हमने मशहूरियां का नाम दिया. हाँ, तो ब्रेक की भी उर्दू करो ना फिर अगर एडवर्टाइजिंग. मशहूरियां का वक्फा, मशहूरियां वाला वक्फा. हाँ, मशहूरियां का वक्फा, मशहूरियां का वक्फा लेते हैं जी. और अभी मिलते हैं, रही मेरे साथ. जी जनाब, वेलकम बैक. नरगिस रशीद आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्रेकफास्ट एट होम पे. नरगिस की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ और वो है ड्राइविंग. नरगिस का बहुत सा वक्त जो है, कितने साल गाड़ी में गुजरे हैं आप? 38 साल. गाड़ी में इससे ज़्यादा बताऊँगी तो उम्र पता चल जाएगी. मतलब मैंने जब ड्राइविंग शुरू की थी ना, तो मैं वो अपने सामने की स्क्रीन तक नहीं पहुंचती थी, तो गदियां रख के, तो ऊंचा करके. जब साइकिल चलाने का जमाना था, मैं उस जमाने में ड्राइविंग करती. लेकिन नरगिस, आप गाड़ी और ड्राइविंग से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं. इश्क है ना मेरा, इश्क है, इश्क है, इश्क है. आप जब आप काम नहीं समझेंगे ना किसी भी चीज को, जैसे कंपेयरिंग मेरा इश्क है, ड्रामा मेरा इश्क है, एक्टिंग थिएटर मेरा इश्क है. उसके अलावा जितने इश्क है उनकी तफसील नहीं बताई जा सकती. कम है टाइम, नहीं फिर तो दो दिन आप बुलाएं मुसलसल है ना, तो उस पर बात होगी. तो गाड़ी चलाना जो है, मैं ड्राइविंग को कभी काम नहीं समझा. मैं इतना इंजॉय करती हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैशन है. हर साल मैंने गाड़ी नई लेनी होती है और उसके बाद उसको हज़ारों किलोमीटर चलाना, मैं लाख तक चला लेती हूँ. पाकिस्तान में सैलाब आए और रेडियो पाकिस्तान ने फैसला किया, सन कौन सा था? 2005. रेडियो पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम रेडियो पाकिस्तान के हर स्टेशन पे जाके वहाँ पे फंड रेजिंग शोज करेंगे. मुझे और नरगिस को मुंतखब कर लिया गया उसके कॉम्पेयर्स के लिए. अब रेडियो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर जनरल की मीटिंग हो रही है और बजट बन रहा है कि अब कम से कम पैसे लगाए जाएं कि जहाज़ के टिकट. और नरगिस फ़ौरन कहती है जी हम मेरी गाड़ी पर जाएंगे. और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम जनाब फैसलाबाद, लाहौर, हैदराबाद, बहावलपुर, हैदराबाद, पूरा पाकिस्तान. नरगिस रशीद गाड़ी चला रही हैं और मैं और इनकी अम्मी उसमें. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारा एक अवार्ड शो हो रहा था स्कर्दू में. अब जिंदगी में स्कर्दू की जिंदगी में भी पहली दफ़ा हो रहा है. अच्छा, सारे लोग जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ना कि जी सुबह की फ़्लाइट लेंगे. कमल नसीर थी, अनवर महमूद साहब, सब साहिर साहब, अल्लाह बख्शे. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मैंने कहा जहाज़ तो जाना, मुड़ के तो आंदा नहीं, तो मैंने ये क्या करना है कि गाड़ी ले लेनी है. और मैंने उसी वक्त नई नई 99 में ली थी गाड़ी. तो मैंने सुबह 5 बजे ना गाड़ी में बैठी, अपनी एक फ्रेंड बिठाई, साहिर साहब ने रस्ते में से मैंने भी चुक लाई, अच्छा उनको भी बिठा लिया, और मैं स्कर्दू चल पड़ी. मुझे नहीं पता स्कर्दू की सड़क क्या है. और मैं रात को 1 बजे स्कर्दू पहुंच गई. और वो जो जहाज़ वाले थे वो फंक्शन के बाद भी नहीं पहुंच सके. तो ये मुझे अभी तक याद है कि मैंने पूरा दिन, पूरी आधी रात तक ड्राइव किया था. और लोग अगले दिन सुबह मैं जब उठ के गई बाहर, तो होटल के बाहर रश लगा हुआ कि जी कौन औरत है जो शराय करा कुरम पे सुबह 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 से चल के रात तक पहुंच. और ये आपकी बात नहीं हो रही, आज से तकरीबन 20 बरस पहले की बात. नहीं, तकरीबन 15 बरस, 15 बरस पहले की. और उस वक्त शराय करा कुरम का और बुरे हालात थे, स्लाइड्स थी, सब कुछ था, और मुझे कुछ पता नहीं था. सो आई टेक, मतलब मैं बहुत एडवेंचरस हूँ. नफरत भी की? नफरत नहीं करती मैं, माइनस करती हूँ लाइफ से, जिंदगी से निकाल देती. तो आनो नहीं पता. माइनस कोई नहीं. आप वाई टू टेक सच बर्डन विद यू. आप लाइफ को लाइट रखें. जो शख्स आपके साथ बुरा है उससे नफरत करने के बजाय, बर्डन उठाने के बजाय उसको माइनस कर दें और जिंदगी लाइट रखें. बड़ा मजा आता है, फिर आप तेज दौड़ सकते हैं ना, वजन कम होता है शोल्डर्स पे. उंजी गुनामा दाडा वजन है. अच्छा, वैसे वजन को कम करने के लिए क्या, डू यू मेंटेन योरसेल्फ? कढ़ाइयां आपको बहुत पसंद है, नान? मैं बहुत खाती हूँ, मैं डाइटिंग नहीं करती. डाइटिंग नहीं करती, कैलोरीज बहुत बर्न करती हूँ. मैं बहुत काम करती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं 12 से 14 घंटे काम करती हूँ और काम को ना नहीं करती. मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से रोजी आ रही है. मनी, हर चीज़, पैसा नहीं होता. पैसा बहुत कमाया,
लेकिन मेरे पास नज़र नहीं आता कहीं भी, क्योंकि मैं खर्च करती हूँ बात और कब बचा के क्या करना, केड़े पिछले बच्चे रो रहे हैं और पिछलों ने तो फातिहा भी नहीं पढ़नी होती, बैंकों में छोड़ के जाने का फ़ायदा, खर्च करें जितना कमाएं खर्च करते, तुम्हारा और मेरा दोनों का यही उसूल है। मुझे याद है इसके बारे में एक डायरेक्टर क्या करते थे कि तौसीफ के पीछे पीछे पैसे भाग रहे होते हैं या आगे आगे भाग रहा होता है, प्रोग्राम ही नहीं करता था, तीन दिन आता था, सुबह चौथे दिन तौसीफ सो गया, मैं हैरान हूँ इसको जगाता कौन है यहाँ आने के लिए, मॉर्निंग शो हमेशा ये छोड़ के भाग गया मेरे साथ, ये मैं हैरान हूँ वैसे बहुत, मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ के तुम अब तक कर रहे हो। नहीं देखो ये सेट ही ऐसा है जो बुलाता है आपको रोज सुबह। सही बात है, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ रोज सुबह आऊँ, है ना, तो ऑन एयर बुकिंग मांग रही हूँ। ये नहीं मतलब जो ही पीटीवी में इंटरव्यू बुकिंग मांगने की रिवाज जो है। हाँ 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 मैं चेक तो नहीं मंगया। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पता की मिलना है बुकिंग फिर मिल जाएगी, ऐसे आस्ते नहीं मंगने, कमाते हैं बुकिंग फिर मिल जाएगी, चेक नहीं मिलेगा। सबको ये बात कहती हूँ कि हम रेडियो टीवी से कमाते नहीं हैं, ये हमारे घर है, यहाँ से सीखा है, रेडियो टीवी के फेसेस हैं हम, आवाज़ें हैं हम, तो हमें प्राइवेट वाले बुलाते हैं, कमाओ उतों, इधर तो कमेटी डली है ना, कभी ना कभी तो निकल आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरगिस, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत लुत्फ आ रहा है, कंट्रोल रूम और क्रू किसी का जी नहीं कर रहा कि इस गुफ्तगू को हम इख्तिताम तक पहुँचाएँ, लेकिन वक्त की कैद में हम सब हैं। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो, फुल ऑफ लाइफ रहो, इसलिए कि आपको नहीं मालूम कि आपको देख के और आपको जिंदगी में इर्द गिर्द रख के कितने लोग जो हैं वो खुशियां हासिल कर रहे हैं और जिंदा रहना सीख रहे हैं। वो क्या आपका लफ्ज़ था, जिंदगी करना सीखा है, जिंदगी करना सीख रहे हैं। तो नरगिस का आज गुफ्तगू का टेक अवे है जी, जिंदगी करना सीखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, जिंदगी नहीं दी हमें इजाजत, तो कल सुबह इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी लाइव में 7:15 पे और रिपीट पे सुपहर 4 बजे पीटीवी होम पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रब रखा।